प्याज के पकौड़े किसे पसंद नहीं। आई एम श्योर मेरी तरह आपको भी बहुत पसंद होंगे, लेकिन आज हम लोग नॉर्मल प्याज वाले नहीं बल्कि पत्ते वाले प्याज के पकौड़े बनाएंगे जो कि सीजन में अभी भर भर के आ रहे हैं। मैंने यहाँ 4 मोटे वाले प्याज पत्ते लिए हैं और उनको अच्छे से धोकर बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें 1 कप बेसन को अच्छे से छानकर एक बड़े बर्तन में ले लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब थोड़े से अजवाइन को इस तरीके से हथेलियों के बीच रगड़कर डाल देंगे। इसके साथ ही 1 इंच जितना बड़ा अदरक को हम लोग इस तरीके से घिसकर इसमें डाल देंगे। अब बारी आती है इसका एक बैटर बनाने की। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक हम लोग थिक बैटर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 कप पानी यूज़ किया इस बैटर को बनाने में। आपको थोड़ा कम या ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके बेसन की क्वालिटी कैसी है। देखिए इस बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए अलग रख लेंगे। इतनी देर हम लोग तेल गरम कर लेते हैं। इस बैटर में हम लोग 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय हम लोग हाथों से थोड़ा प्याज को क्रश करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में इस तरीके से हम लोग 1-1 स्पून जितना बैटर लेकर इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, हमें तेल को बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड नहीं करना है, नहीं तो ये पकौड़े आपस में चिपक जाएंगे। अब इन पकौड़ों को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग तल लेंगे और जब ये तल जाए तो इनको हम लोग एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी बचे हुए बैटर के भी हम लोग पकौड़े निकाल लेंगे। अब इसे गर्मा गर्म अपने पसंद के चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, एक पकौड़ा आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और इनका टेस्ट नॉर्मल प्याज के पकौड़ों से काफी डिफरेंट होता है। थैंक्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।